नमस्कार, इस वीडियो में आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड कक्षा 10वीं का पेपर देखेंगे, जो कि 1 घंटे का और 100 अंक का होता है। आवश्यक निर्देश आप पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न, उसने यह घटना आँख से देखी वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? क करण कारक, ख अपादान कारक, ग अधिकरण कारक। तो इसका सही उत्तर है क करण कारक। दूसरा प्रश्न, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। अधमरा, त्रिलोक, कुरूप। तो इसका सही उत्तर है ख त्रिलोक। तीसरा प्रश्न, सांझ का विलोम शब्द है सवेरा, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो अनुरक्त। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है आहट। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है आहट। यण स्वर संधि का उदाहरण है, इसका सही उत्तर है ख अत्युक्ति। सातवां प्रश्न, विलाव का स्त्रीलिंग होगा बिल्ली। दिए गए मुहावरे का अर्थ है अग्नि परीक्षा देना। सही उत्तर है क कठिन जांच। अगला प्रश्न, कौन सी कंठ ध्वनि नहीं है। कौन सी कंठ ध्वनि नहीं है। तो इसका सही उत्तर है क। नामुमकिन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ना। किस विकल्प में संज्ञा शब्द नहीं है देखना। देखना क्रिया शब्द है। वात्सल्य का पर्यायवाची है, सही उत्तर है ग स्नेह। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो ग सही है, यह गाय का असली दूध है। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं। ग निशानेबाजी से। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम। सोडियम। अगला प्रश्न, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश। MDH के संस्थापक कौन थे। धर्मपाल गुलाटी MDH के संस्थापक। अगला प्रश्न, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन। इ च छ ज झ आदि का उच्चारण किससे होता है। तालव्य से। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। तो ई, ये हृस्व स्वर है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। युग्मक ध्वनियाँ। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है। उपयोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। दैवीय। वाक्य में प्रयोग शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं अन्वय। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। विधुर पुल्लिंग है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। उपभाषा। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। 5 प्रकार के शब्दों से। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 16। छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। रूपक। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के।
समास छह प्रकार के होते हैं। जो अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? तो विज्ञान शब्द रूढ़ नहीं है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश दो प्रकार के होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? हक। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के अंग हैं उद्देश्य और विधेय। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्ष के पश्चात। अब यह एक पद्यांश है जिस पर आधारित प्रश्न है। आगे पद्यांश देखिए। राष्ट्र मेरा रो रहा है, अंधियारा चारों ओर हो रहा है, प्रकृति चाहती परिवर्तन सदा, करती फिर भी सबका भला, चेत जाओ समय की मांग है, निष्कर्म रहना न तुम्हारा काम है, ध्वस्त कर दो स्वप्न सारे द्रोह के, विद्रोह को जड़ से मिटा दो, विद्रोह को जड़ से मिटा दो, भेदभाव की इस अग्नि को शीतल स्नेह जल से बुझा दो, सिद्ध कर दो कि सत्य क्या क्या स्वांग है, सिद्ध कर दो धर्म क्या क्या अधर्म, क्या बनावटी रूप है तेरा, एक हो हर्ष का इतिहास रच दो, एकता की भाषा में सबको पिरो दो। बहुत ही सुंदर पद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। राष्ट्र क्यों रो रहा है? राष्ट्र में भेदभाव होने के कारण। प्रकृति सदा क्या चाहती है? परिवर्तन। कवि क्या ध्वस्त करना चाहते हैं? विद्रोह के स्वप्न। हर्ष का इतिहास क्या है? राष्ट्रीय एकता। काव्यांश का क्या शीर्षक होगा? भेदभाव। यह एक गद्यांश है जिस पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश देखिए। धर्म निरपेक्षता एक नारा नहीं, कुछ मूल्यों का नाम है, एक जीवन पद्धति का नाम है, वर्तमान सांप्रदायिक दंगों की प्रतिक्रिया नहीं, ऐतिहासिक और शाश्वत प्रक्रिया है, विभिन्न धर्मों में पारस्परिक सहिष्णुता धर्म निरपेक्षता है, धार्मिक उन्माद को रोकने का नाम धर्म निरपेक्षता है, यह कार्य अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। धर्म निरपेक्षता का नारा किसी पार्टी का नारा नहीं, भारतीय संस्कृति में विद्यमान मंत्र है। क्या भारतीय स्वाधीनता के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता था, जबकि पाकिस्तान ने अपने को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया? भारत भी कर सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। कारण, भारतीय संस्कृति इसकी आज्ञा नहीं देती। धर्म निरपेक्ष कोई निरपेक्ष कोई नकारात्मक अवधारणा नहीं, सकारात्मक अवधारणा है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। धर्म निरपेक्षता क्या नहीं है? एक नारा नहीं है, जीवन पद्धति है, ऐतिहासिक और शाश्वत प्रक्रिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को क्या घोषित किया गया? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। धार्मिक उन्माद रोकने का कार्य कब से चल रहा है? अनादिकाल से। धर्म निरपेक्ष अवधारणा है सकारात्मक। धर्म निरपेक्ष अवधारणा क्या है? सकारात्मक। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा धर्म निरपेक्षता। तो यह था कक्षा 10वीं का अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।